हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्यूट से खास से ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैं अभी आई हूँ छत पे और ये देखिए कितना पानी लगा हुआ है। फ्रेंड्स, मैं छत पे इसीलिए आई हूँ क्योंकि मेरे घर पे मतलब आटा ख़त्म हो गया है, तो गेहूँ पिसवाना है। तो गेहूँ को मतलब हमने फटक के रखा था लेकिन इसमें बहुत सारी चींटियाँ आ गई हैं, पता नहीं कैसे, मतलब पूरा सामान नुकसान हो रहा है। मैं क्या बताऊँ, इन चींटियों की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं सच में। तो आप लोग देख सकते हो, मैं पीछे दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखिए झाड़ू लेके आई हूँ। झाड़ू लगाना है पहले छत पे, उसके बाद मैं गेहूँ डालूंगी। और फ्रेंड्स, बहुत तेज़ मतलब ऐसे मतलब धूप निकला नहीं है लेकिन ऐसे होता है ना कि अंदर अंदर धूप रहता है, वैसे ही है, मतलब देखा नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि शरीर जल रहा है धूप से। लेकिन देखने में अगर आप लोग देखेंगे तो धूप दिखाई नहीं देगा लेकिन अंदर ही अंदर धूप निकला है। तो आप लोग देख सकते हो मैं भी छत पे आई हूँ, काम करना है और काम करने के बाद सूट भी करना है और नीचे भी घर का काम है। तो दीदी नीचे का काम कर रही हैं और मुझे ये काम करना है, अभी जाके रोटी भी बनाना है, मतलब बहुत सारा काम है। तो आप लोग देख सकते हो, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारा इंजॉय करने वाले हो आप लोग। मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद गेहूँ डालूंगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने, ठीक है, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब होने लगा है और कैसे भी चींटियाँ निकालना है क्योंकि आटा एकदम ख़त्म हो गया है। तो बिना रोटी के मतलब कैसे होगा, और 3-4 दिन से आटा ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी मतलब झाड़ू लगा के मैं गेहूँ डाल देती हूँ ताकि जितनी भी चींटियाँ हैं इसमें जिन्होंने कब्जा बना लिया है वो सारे के सारे अपने अपने घर द्वार चले जाए। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिए, मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देती हूँ। मैंने झाड़ू लगा लिया है जल्दी जल्दी, और पूरा छत झाड़ू नहीं लगाना था, पूरा छत तो साफ ही है लेकिन जहाँ पे गेहूँ मतलब डालेंगे हम लोग वहाँ पे सिर्फ झाड़ू लगाना था, तो मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ गेहूँ डालने, मैं झाड़ू रख देती हूँ पहले। तो आप लोग देख सकते हो ये गेहूँ मतलब देखिए मैं अपने मूड़ी पे रख के लेके आई हूँ ऊपर, ये देखिए कितना भारी है, उठ ही नहीं रहा है, दीदी ने उठाया मेरे सर पे और मैं लेके आई हूँ। ये देखो आप लोग, बाप रे कितनी सारी चींटियाँ हैं, ये देखो, पता नहीं आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि अंदर ही अंदर धूप निकला हुआ है इसीलिए। तो ये देखिए गेहूँ, मैं जल्दी जल्दी डाल लेती हूँ वरना लेट हो जाएगा। देख सकते हैं ये देखिए गेहूं, हमारे मेहनत का फल, मतलब आप लोग को पता ही है कितना मेहनत हमने किया था खेती में, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत होता है इसमें, सारे किसान बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और देख सकते हैं आप लोग गेहूं, तो मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ क्योंकि मुझे नीचे रोटी भी बनाना है और सूट भी करना है, तो बहुत सारा काम है। बारिश की वजह से काम मतलब बहुत ज्यादा ऐसे कि ऐसे है। मैं ऐसे ही डांस कर करके मतलब काम करती हूँ हंस हंस के, ताकि काम थोड़ा आसान लगे। आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है हंस हंस के, आप लोग काम करोगे ना तो बहुत ही आसान हो जाता है काम, जल्दी भी हो जाता है। ऐसे बोरिंग से करोगे कि बाप रे कितना काम है तो काम बहुत ज़्यादा लगेगा, हंस हंस के कीजिए आप लोग। तो आप लोग देख सकते हो मैंने डाल दिया पूरा गेहूँ, इधर का थोड़ा मोटा हो गया है इसको मैं इधर कर देती हूँ।
फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो। प्लीज कमेंट में बताना कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं, मैं यहाँ हूँ। हाय मतलब अंदर ही अंदर धूप निकला हुआ है, पसीना भी हो रहा है, गर्मी भी हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पे धूप है। ऐसे अंदर अंदर धूप नहीं निकलता है, वैसे ही हुआ है आज। और ये देखिए मेरा बाल भी खुल गया, मैंने ना इस पर गार्डर लगाया है, ना कलेक्शन लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है, ऐसे ही बस चली आई। जल्दी जल्दी काम इतना है कि क्या बताएं। और आप लोग को पता है सावन भी चढ़ने वाला है, 4 तारीख को शायद चढ़ेगा, मम्मी बोल रही थी। तो सावन तो मतलब मैं जहाँ कहीं भी हूँ महादेव जी की वजह से हूँ, और सारी विशेष मेरी पूरी हो जाती है, जो भी मांगती हूँ सब कुछ मिल जाता है उनसे। तो सावन में बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है, आप लोग देखना, सपोर्ट करना। इस साल पूरी तैयारी के साथ में बनाऊंगी, पहले इसी से लेकर सॉन्ग मैंने रख लिया है सावन के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो है काम कंप्लीट हो गया, जल्दी जल्दी मैंने कर दिया। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरा बाल एकदम खुल गया है, मैं क्या बताऊँ। और इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, इतना तेज़ धूप निकल गया है, पहले धूप दिखाई नहीं दे रहा था, अब धूप भी दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो। कहते हैं ना मतलब बारिश जब आता है तो बारिश के बाद जब धूप निकलता है ना बहुत ही तेज़ निकलता है, बहुत ही तेज़। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, और नीचे रोटी भी बनाना है। और आप लोग देख सकते हो ये गेहूं मैंने डाल दिया, और ये काम कंप्लीट हो गया। अब जब मतलब इसमें से सारी चींटियाँ निकल जाएंगी तो बाबू लेके जाएगा और गेहूं को पिसवा के लेके आएगा। आप लोग को पता ही है आटा खत्म हो गया है और रोटी बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये छत, और ये देखिए अब तक मतलब बारिश का पानी यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये जो पानी है इसका मुझे इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैं इसको नहीं हटा रही हूँ, पूरा साफ़ नहीं कर रही हूँ, उस समय वीडियो बनाऊंगी पानी में। तो मैंने ऐसे इसको छोड़ दिया है, और उधर थोड़ा सा साफ़ करके मैंने, आप लोग देख सकते हो मैंने गेहूं डाल दिया है और बोरा रखा हुआ है, तो बोरा नीचे लेके जाऊँगी, झाड़ू नीचे लेके जाऊँगी, झाड़ू भी लगाना है घर में, तो आप लोग देख सकते हो। और उधर मतलब जो उधर खेत दिख रहा है ना, उधर ही मेरे खेत में ना रोपनी हो रहा है, तो मम्मी बाबू और पापा जी रोपनी कर रहे हैं लोग, मैं नहीं गई हूँ, और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, थोड़ी सी एनर्जी काम नहीं कर रही है मेरी। तो आप लोगों को पता ही है मेरी आवाज़ मतलब इधर आई हूँ ना तो और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई है पानी की वजह से, और मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई थी। और आप लोग खुद देख सकते हो, सुन सकते हो, मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ ना तो मेरा दम घुटने लग रहा है, मतलब सांस फूलने लग रहा है। और काम भी है, यहाँ पर भी काम है, सूट भी करना सबसे इम्पोर्टेंट है, सुबह से काम हो रहा है खेती में, तो सुबह में मुझे सूट करना होता है, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद आप लोग देख सकते हो गेहूँ मैंने डाल दिया, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी, उसके बाद नहाना धोना, फिर सॉन्ग का रिहर्सल करना, मेरे पास मतलब उतना टाइम नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स कि मैं और कुछ काम करूँ। और दीदी को भी शूट करना है साथ ही साथ, आप लोग को पता ही है मेरी दीदी भी शूट कर रही है, तो उनको भी समय चाहिए, पूरा काम नहीं करने दे सकते, तो मैं पूरा मतलब पूरा कोशिश कर रही हूँ कि काम ले लेके मैं भी करूँ, ताकि उनको भी कुछ समय मिल सके, ताकि वो भी अच्छे से शूट कर पाए। तो उधर ही मेरी मम्मी पापा जी और मेरे बाबू खेत में है लोग, मतलब वो नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो जो पेड़ दिख रहा है ना, घना घना पेड़ दिख रहा है इधर, आप लोग देख सकते हो उसी के बगल में जो लोग दिख रहे हैं, उधर ही मेरी मम्मी पापा जी और मेरे बाबू हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स मैं अपना बाल बना लेती हूँ पहले, क्योंकि खुल गया है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, और आप लोग कमेंट बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। आप लोग भी ना मतलब देखो मेरा बाल बन गया, मैंने इस पे ना सोल्जर लगाया है, कलक्चर गार्डर कुछ भी नहीं लगाया है, बस ऐसे ही बना के मैं चली आई। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ रोटी बनाने, तो प्लीज़ आप लोग चलिए नीचे, मैं झाड़ू ले लेती हूँ, और ये बोरा देखिए, मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ क्योंकि ये मेरा मन नहीं लगता है, इसीलिए आप लोग के साथ मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ। और फ्रेंड्स बहुत जल्द मैं लाइव आने वाली हूँ, लाइव बात करने वाली हूँ आप लोगों से, तो प्लीज़ आप लोग आइएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी लाइव बात नहीं किया है, मुझे अजीब लग रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मैं लाइव बात करने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लाइव बात करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग आइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मेरा पहला लाइव होगा, तो आप लोग प्लीज़ संभाल लीजिएगा। मैं झाड़ू ले लेती हूँ, देख सकते हो। और फ्रेंड्स मेरी बातों पे आप लोग मत जाइएगा, मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि
मतलब मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है इसीलिए, तो चलिए नीचे चलते हैं ठीक है। मैं अपना फ़ोन ले लेती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो बोरा और झाड़ू मैंने ले लिया है और एक चीज़ छूट रहा है यहाँ पे, मेरे दीदू का फ़ोन मैं लेके आई हूँ। इन्हीं के नेट से मैं मतलब मेरा जो डाटा है ना नेट है वो ख़त्म हो गया है, तो इनके नेट से मैं काम चला रही हूँ अपना तो ये देखिए मैं आ गई, ये देखिए फ़ोन। तो फ्रेंड्स मैं नीचे आ गई हूँ, आज आप लोग देख सकते हैं मैंने झाड़ू चौकी के नीचे रख दिया है और इधर आप लोग देख सकते हो उधर बैग पे मैंने देखिए बैग पे मैंने बोरा रख दिया है इकट्ठा, और दीदी का फ़ोन भी रख दिया है ये देखिए। और मैं नीचे आ गई हूँ, तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, बहुत सारा काम है, पापा जी के लिए रोटी बनाना है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, उसको मैं ऐड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यही ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और लाइव भी मैं बात करूँगी तो प्लीज़ आप लोग आइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, इतना सपोर्ट इतना प्यार के लिए दिल से थैंक यू सो मच। और प्लीज़ प्रे कीजिए कि थोड़ी सी मैं और ठीक हो जाऊँ, मतलब दम घुट रहा है मेरा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट इतना प्यार के लिए, लव यू ऑल, आप लोग बहुत अच्छे हो, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, थैंक यू सो मच।